हेलो एवरीवन, मु जाजनिका ओडिया गुरु चैनल को आपन को स्वागत करुचि। ओडिया व्याकरण रो आउ मात्र दुईटी टॉपिक हमर बाकी रहिला। आज पढ़ीबा क्रुदंत। क्रुदंत नाटा सुनिकी बहुत डर लागुथबो बा एमिते गोटिए माने कोन ना तार भय भीत लागिथाय, किंतु आमे जते बेले संधि पढ़ी सारलेनी, समास पढ़िले, अलंकार छंद पढ़ी सारलेनी, सेते बेळ को ए क्रुदंत आमको किछि भी डरै पारिबोनी। काहेकी सिलेबस रे भी देखिबे प्रथमे क्रुदंत तधित देइछि, तापरे आमे वाक्य आरंभ करिबा एवं तापरे संधि समास इत्यादि पढ़िबा। तेणु सी सिस्टमेटिक गोटे देइछि सिलेबस रे, जहाँफल आग क्रुदंतटा पढ़ा कथा आमे किंतु वाक्य रु स्टार्ट कर देथिले, किंतु किछि असुविधा नाही, जेहेतु आमे बहुत ऊपर को आमे हायर गुडा पढ़ी सारलेनी, एटा बुझिबा को आमको एबे पूरा इजी लागिबो। देखंतु आमे प्रथम रु पढ़ीजे जे वाक्य केते गुडे पद को नेकी होइथाय, बा से पद गुडी को आमे शब्द बोली कही था। ताहले ए शब्द गुड़ी को केमिति सृष्टि होता है, आपण कहे वर्ण को लेकिन शब्द सृष्टि होता है। ठीक अच्छे, वर्ण को लेकिन होता है, किंतु केतेक धातु द्वारा मध्य शब्द सृष्टि होता है। आमे केवे शब्द विषय एत आनालीसीस् करे, आम वाक्य रुतापे पढ़ीगले जितेबले संधि पढ़िले से शब्द सहित शब्दर मिलन होगा, एवं जितेबले समास पढ़िले से भी पद सहित पदर मिलन होता, किंतु से पदटी बा शब्दटी आसूची केमती, तार सृष्टि केमती होटा जाणी आम क्रुदंतरे। देखु क्रुदंत को कहुए क्रुत युक्त अंत, क्रुत सहित अंत लागिले क्रुदंत तयारी हुए। अच्छा, एमिती प्लस लागी कि कोठे आमे पढ़ीचे निश्चय भावरे एपर्यंत तो से ही पढ़ी आसुचे, छंदरे पढ़िले समासरे मध्य पढ़िले, किंतु से छंद आउ समा सॉरी छंद नुह संधि आउ समासरे पढ़िले, ताहले संधि आउ समास परे एई जो क्रुदंतर एई प्लस देकी लेखिबाटा किछि डिफरेंट लागुची कि ना समान लागुची? डिफरेंट निश्चय भावरे अछि। काहेकि कहिले आमे संधि रे पढ़ुथिले, गोटिए एग्जांपल नेबा हिमालय हिमयुक्त आलय, ताहले एटा स्वर संधि होउची हिमयुक्त आलय, ता भितर जो प्रथम पदटी थिला हिम, तार अर्थ कौन? तार अर्थ होउची बरफ, एवं आलय अर्थ कौन? आलयर अर्थ होउची गृह बा घर बा बासस्थान। ताहले बरफ जो जगार रहे बरफर घर को आम हिमालय कहू, ताहले हिमालयर गोटे मीनिंग अछि, हिमर गोटे मीनिंग थिला, आलयर गोटे मीनिंग थिला, एवं से हिम एवं आलय दुईटी जाक पद थिले बा दुईटी शब्द अलरेडी थिले, एवं दुईटी शब्द जेतेबेले मिसी गले तांकर यार शेष वर्ण एवं तार प्रथम वर्ण मिसी गला गोटे नूतन पद सृष्टि हेथिला। किंतु आमे एठी लक्ष्य कले जे दुईटी अलरेडी शब्द ही थिले, किंतु एबे आमे पढ़िबा जे शब्द ही आसीबो केमिति, शब्दटा आसीबो केमिति। देखंतु एठी जदि क्रूत युक्त अंत, सेथिरे हिमर मीनिंग थिला, आलयर मीनिंग थिला, किंतु एथिरे क्रूत आउ अंत, क्रूतर अर्थ कौन? अंतर अर्थ कौन? ओके, क्रूत युक्त अंत क्रुदंत, किंतु तार किछि अर्थ आमे जानी पारुने। ताहले एथिरु आमे परे पुणी लास्ट को एथिरे कंक्लूजन करिबा। देखंतु क्रुदंत पढ़ा पूर्व मुझे डेफिनेशन कहूनी, डेफिनेशन कहिले कौन हुए? प्रथम रु गोटे भारी भारी फील हुए, जमी इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड अच्छे पेडागोजी में, तो आमे तार उल्टा करिबा, आमे एग्जांपल पट को आसीबा, प्रथमे आमे तार आनालीसीस करिबा, विश्लेषण तार कौन आगो बुझीबा, लास्ट को आम डेफिनेशन आड़कू जीबा। ओके, डेफिनेशन आगो कहीदेले से घोषिबा भाया लगे, आम बुझीबा उपरे बेसी इम्पोर्टेंस देबा। प्रथमे आम देखिबा उपसर्ग कौन, उपसर्ग कौन ना जितेबले आम कौन अव्यय पद को धातुर पूर्वर व्यवहार करू। ओके, धातु को साधारणतः हणन देकि लेखा ही थाए। ओके, एवं धातुर पूर्व आमे किछि जॉइंट करू, धातुर परे किछि लगेकि आमे शब्द बनाऊ। ओके, ताहले शब्द बनैबा पई आमको गोटिए धातुर आवश्यक थाए, ता परे किछि प्रत्यय लागे, ता पूर्वरु किछि प्रत्यय लागे, किंतु ता पूर्वरु जोटा लागे ताको आमे प्रत्यय न कहिकि उपपद कहू बा उपसर्ग कहू। आमे उपपद तत्पुरुष पढ़ी थिले मन अच्छी, तेणु
ताको उपपद बा आमे ताको उपसर्ग कही था। ओके एवं धातुर परे जोटा व्यवहार हुए ताको कहा जाए प्रत्यय। एबे बुझीला उपसर्ग कौन प्रत्यय कौन ताहले ये उपसर्ग आ प्रत्ययर आवश्यकता कौन अच्छी कहीं केवल धातु को नहीं कि तो आम शब्द करपरबानी धातु सहित किसी गोटे प्रत्यय जोग हम कि किसी गोटे उपसर्ग जोग हो कि गोटे शब्द सृष्टि होता है शब्दर अर्थ पुणी डिफरेन्ट प्रकार होता है बेले बेले तार जदि उपसर्ग लगि तार मीनिंग ही चेंज भी हो जाए था। आमे ताको एग्जांपल सहित पर देखिबा। ओके ताहले अव्यय पदरे धातुर पूर्वरु जोग हो नूतन शब्द सृष्टि करती कौथरे ना उपसर्गरे कौन जोग हूँ अव्यय जोग हूँ अव्यय मन पका पदर आम पढ़ी पदर विशेष विशेषण सर्वनाम क्रिया आउ अव्यय पद अच्छी अव्यय जहाँ कौन सी व्यय ना सीए कौन सी लिंग वचन पुरुष अनुसार परिवर्तन हुए ना स्त्रीलिंग पाखे जो अव्यय व्यवहार करलिंग पाखे से व्यवहार करचन दृष्टि भी तर कौन किसी डिफरेन्स देखा जाए नए से भली केतेक अव्यय पद को जिते बड़े आम धातुर पूर्वरे व्यवहार करुचे उपसर्ग कहचे पर व्यवहार कले प्रत्यय कहचे तो आम जाणिले उपसर्ग कौन प्रत्यय कौन एबे देखिबा ओडियारे आमर केतरे शब्द विभव अच्छी माने किछि आमे शब्द जो व्यवहार करुचे आम दैनंदिन जीवन रे आमे कथाबार्ता करुचे आमे वाक्य विश्लेषण करुचे जहाँ भी सेंटेंस कहुचे सबु आमर ओडिया भाषा नुह बा सबु आमर पूर्वपुरुषक भाषा नुह किछि भाषा अच्छी जो गुड़ा को आमे अडॉप्ट करि नैचे बा आम भाषा रे ताकु इनक्लूड करि दैचे मिसेई दैचे कौन ना संस्कृत भाषा साधारणतः सबुठ पुरातन भाषा कहा जाए संस्कृत भाषा को तेणु कौटि ना कौटि संस्कृत भाषार इनफ्लुएंस आम भाषा उपरे पड़ी आउ कहार किछि वैदेशिक भाषार पड़ी जमीती कि यूरोपियन आसीथिले फ्रेंच आसीथिले आउ सबु वाणिज्य व्यवसाय करबा को ट्रेडिंग पाई जेतिकि सबु फॉरेन कंपनी आसीथिले यूरोपियन कंट्री आमर इंडिया को तांको भाषा भी आमे किछि आम निज लैंग्वेज रे ताको इनक्लूड कर देइछु ताहले किछि तत्समर अर्थ होउछि जोटा संस्कृत सहित समान भाषाटी को आमे आम भाषा रे व्यवहार करूछु डायरेक्ट संस्कृत भाषा को आम भाषा रे इनक्लूड करैछु तद्भवर अर्थ होउछि सेई संस्कृत रु आम भाषा को किछि चेंज करिकि आमे ताको यूज करुचु एवं देश जत आम देशर भाषा वैदेशिक भाषा यही सब कहिबार तात्पर्य कौन आपण भाविबे आमे तो कृदंत पढ़ुचु कहीं मैडम उपसर्ग प्रत्यय देशज वैदेशिक कहले अच्छी तार इम्पोर्टान्स अच्छी एवं तापे आपण को जिनसटी बुझाक इजी हे बोली प्रथम युवाक मुझे एक्सप्लेन करदे। ओके प्रथम देखु संस्कृत भाषा रे समुदाय 20 उपसर्ग प्रचलित अच्छी एवं एगुड़िक ओडिया शब्द विभव रे प्रचलित होता है यहाँ मन रखिदेवे टोटाल 20 उपसर्ग अच्छी संस्कृत उपसर्ग गुड़ी आम आम ओडिया भाषा रे मध्य व्यवहार करथाउ। ओके नेक्स्ट हूँ प्रत्यय आम देखिले अव्यय पद जदि धातु परे जोग हुए ताकु प्रत्यय कहा जाए मुझे जमीती कि गोटे एग्जांपल ने प्रदान। ओके प्रदान एथिरे दाटी होउची कौन धातु दा पूर्वरु जोटा लगिला प्र होउची उपसर्ग एवं अन्न होउची प्रत्यय बुझीला दा धातु प्र उपसर्ग अन्न प्रत्यय ताहले धातु कोठी थाए उपसर्ग कोठी लगे प्रत्यय कोठी लगे आमे देखिले लागि सल्ला परे जहा हला से वार्ड टी बा से शब्द टी जो नूतन शब्द टी गठित हला ताकु आमे प्रदान कहिले ताहले आमे सेंटेंस रे तार अर्थ होउछि देबा तो आमे जते बेले कथा कहू मु ताकु 100 टंका देली। ओके आमे तो कहूचे आम दैनंदिन लाइफ रे बहुत किछि आमे वार्ड यूज करुचे केबे जानिबा को चेष्टा करचे से वार्ड आसीछि केमिति से सृष्टि केमिति हेछि जेमिति प्रधान शिक्षक कृति छात्र छात्री को पुरस्कार प्रदान कले ताहले प्रदानटा हेला केमिति प्र सहित दा मिसिला तापरे अन्न मिसि सारिकी प्रदान हेला ताहले प्र रो सेमिति कोनोसी अर्थ नाही दा होची
तापरे अन्न दा होची धातु एवं अन्न होची प्रत्यय एते सब मिसिला परे गोटिए शब्द होची एवं से शब्दर गोटिए मीनिंग आसुची ताहले एठी बुझिले उपसर्ग कोण प्रत्यय कोण एवं ओडिया शब्द विभव रे आमे केमिति अलगा भाषा को आम निज भितरे इनक्लूड करिनेचू तापरे देखिबा देखंतु आमे जानिले प्रत्यय कोण एबे देखिबा ए प्रत्यय होची दुई प्रकार प्रत्यय टू टाइप्स कौन कौन ना किसी क्रूत प्रत्यय अच्छी किसी तद्धित प्रत्यय अच्छी ओके पुणी क्रूत कौन तद्धित कौन देखिबा क्रूत प्रत्यय कहा को कहा जाए तद्धित प्रत्यय को नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा जोटा आमर तद्धित चैप्टर किंतु ए क्रूत प्रत्यय जिनसटी कौन एबे देखिबा क्रूत प्रत्यय माने धातु सहित जो प्रत्यय युक्त हुए ताकु क्रूत प्रत्यय कहा जाए सरला काम एथिरे आमे एबे कौन देखिले ना दा धातु सहित अन्न प्रत्यय लागिला ताहले एटा गोटी आमे कही परिबा जे क्रुदंत पद केमिति ना कोटे धातु सहित गोटे प्रत्यय जॉइंट हिची सेतिकि हि जानिबार अछि जे धातु सहित जदि गोटे प्रत्यय जोग हेला परे गोटे नूतन शब्द गठित होउची ताकु हि आमे क्रुदंत शब्द बोली कही थाउ देखंतु धातु सहित जो प्रत्यय युक्त हुए ताकु क्रुत प्रत्यय कहा जाए ओके ताले धातु सहित जो प्रत्ययटा जोग हुए ताकु क्रूत प्रत्यय कहा जाए एवं प्रत्यय जोग हेबा परे गोटिए नूतन शब्द गठित हुए जेमिति प्रदा तापरे अन्न लागिला परे गोटिए नूतन शब्द प्रदान आसिला एवं नूतन शब्दटाकु आमे क्रुदंत पद बोली कहिथाउ ताले बुझिएला क्रुदंत कौन एई भितरे आमे क्रुदंतर डेफिनेशन ऑलरेडी कहि सालेनी कौन ना धातु सहित जे जो प्रत्यय जोग हुए किंबा धातु सहित प्रत्यय जोग हेला परे गोटिए नूतन शब्द गठित होता है से ही शब्द टी नूतन प्रत्यय टी आमे जो धातु परे जो प्रत्यय लगे क्रूत प्रत्यय कहू एवं धातु सहित क्रूत प्रत्यय जोगे गोटिए नूतन शब्द गठित हुए ताकु कहा जाए था क्रुदंत पद पद माने तो शब्द ना तो क्रुदंत पद कहा जाए था ओके एबे देखिबा से क्रुदंत पद ये प्रथम एग्जांपल देखिबा जे धातु देखंतु गोटे पट धातु ता सहित तो क्रूत प्रत्यय अ माने एक्चुअली एटा साधारणतः प्रत्यय ही किंतु जेहेतु धातु परे यूज हेजी ताको आमे क्रूत प्रत्यय कहुचु किंतु आमे तद्धितरे पढ़िबा जदि शब्द परे प्रत्यय जोग होब ताहले ताको कोन कहिबा ना शब्द परे जोग हेले ताको आमे तद्धित बोली कहिबा ओके देखंतु पट युक्त अ पाठ ताहले पटटा होची धातु अ होची क्रूत प्रत्यय एवं पाठ होची क्रुदंत शब्द ताहले क्वेश्चन ने जदि पचारिब ना ए क्रुदंत शब्द टी केमिति सृष्टि हेची ताहले आपण ताकु भांगीबे देखिबे तार धातु कोण एवं तार प्रत्यय कोण केवल दुईटी जिनस मिसिकी हेची धातु थिबो एवं प्रत्यय थिबो ओके कोठी कोठी उपसर्ग थाए ताहले संस्कृत क्रूत प्रत्यय अछि एवं ओडिया क्रूत प्रत्यय अछि दुई प्रकार क्रूत प्रत्यय एवं संस्कृत क्रूत प्रत्यय को उड़ा एठी जेमिति आमे गोटिए क्रूत प्रत्यय अ जोग कले सेमिति अ अन्न बसई परिबा आमे एथिरे नै को गोटिए धातु रे आमे यूज करि परिबा अक व्यवहार करि परिबा तव्य व्यवहार करि परिबा अन्य इत्र त्र त्रु त्री इन ज त इष्णु उक उर र उ एतिकी आपणक बहिरे देइछि सन एमिते 19टा क्रूत प्रत्यय बा 19टा संस्कृत रु आसीथिबा क्रूत प्रत्यय बहिरे देइछि तार अर्थ नुहे जे टोटल संस्कृत रे 19टा क्रूत प्रत्यय अछि बहिरे आपणकर ओडिया रा क्रूत प्रत्यय 20टा देइछि किंतु तार अर्थ नुहे जे टोटल 20टा क्रूत प्रत्यय अछि बहुत सारा अछि सेमिते काउंट करि हेबनी ता परे देखिबे इत्यादि बोली कहिछि तेनो बहुत गुडिए प्रत्यय अछि आमे चाहिले एते सब प्रत्यय मने रखी पारिबा भी पॉसिबल नुहे ताहले मने कोन रखिबा जे धातु सहित प्रत्यय जोग हेले क्रुदंत पद गठित हेथाय एवं बहुत क्वेश्चन साधारणत दिए गोटिए शब्द दै देबो एवं से को धातु रु आसी पचारिबो किंबा गोटे शब्द देव सी को प्रत्यय जोग हो पचार किंबा ए धातु सहित ए प्रत्यय जोग हेले क्यों क्रुदंत जो क्रुदंत निष्पन्न पद्धति सृष्टि होटा कौन बोली ओके तीन प्रकार क्वेश्चन हो पारे ताकू
एक्चुअली क्रुदंत तद्धित ये चैप्टर गुड़ाक जिते आम क्वेश्चन डिस्कसन करवा से बेस क्लारीटी आसी थाए कहीं बुझे बेस किसी ना केवल डेफिनेशन जान लापर केमी हो बेसी प्रैक्टिस करिवा को पड़िवो तापर मने रखिवा को पड़िवो को धातु सहित कौन प्रत्ययोग हेले को धातु गठित होउची को धातु बा को नूतन शब्द गठित होउची ता विषय रे जानि परिबे सेटा प्रैक्टिस दरकार बही रे जति कि देछि ताकू बारंबार पढ़ंतु एथिरे बुझिवार विशेष किछि नाही ताले नेक्स्ट क्लास रे आमे पढ़िबा कोन तद्धित तापर गोटे क्लास लगे लेखा लेखक आमर ओडिया व्याकरण कम्प्लीट हो आमे इंग्लीश ग्रामर स्टार्ट करवा आशा करूँगी क्लासटी आपको निश्चय भाव में भल लगी जदि भल लगी था गोटे लाइक निश्चय करेंगे चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करदे थैंक यू जय हिंद।